गाइस, मैं हूं फेयर और मैं हूं हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा आप सबका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लीजिए। गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और मैं निकल रहा हूँ अभी घूमने के लिए बच्चों को लेकर। तो कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सस्पेंस है, स्किप मत करिए, पूरा देखिए और मैं आपको ले चलता हूँ एक अच्छी जगह घुमाने के लिए। चलो, स्किप मत करना, देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार। डाल लूँगा। गाइस, पेशेंस रखिए, स्किप मत करिए। मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ बहुत ही आप एंजॉय करेंगे और ये सन सिटी रोड है। सन सिटी रोड से होते हुए ये देखिए महानगर पालिका का बहुत अच्छा गार्डन है, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। और गाइस, हम पहुंच गए हैं निर्मल। ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। एक दिन मैं इस चर्च में भी आपको लेके चलूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। और हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है कलम बीच। तो आप एंजॉय करिए, ये देखिए मेला लगा हुआ है। गाइस, एंजॉय करिए, सामने खूबसूरत समंदर है और बहुत बड़ा बीच है और हल्की हल्की हवाएं चलती हुई और थोड़ी थोड़ी रेत उड़ती हुई। तो गाइस, मैं आया हूँ बीच पे आपको घुमाने के लिए। ये देखिए पूरा बीच है और समंदर। तो मेरे साथ साथ आप भी मजे लीजिए। हवा बहुत तेज है, बालों की पूरी हालत खराब है। चलिए आज आपको समुद्र के दर्शन करवाते हैं, ठीक है? आ जाओ। हवा बहुत तेज है, लहरें, समुद्र की लहरें, तो लहर की वजह से हवा बहुत तेज है। सुन रहे और आज 26 जैन है, ये है कलम बीच। मास्क में सेल्फी कैसे खींचेंगे, कैसा लगेगा यार? दिस इज नॉट फेयर। कम से कम सेल्फी खींचने तक को देना चाहिए ना। तो गाइस, वो देखिए सिमरन। सिमरन, कहाँ जा रही हो? ओए भाई, अंदर मत जाओ। मिनी गोवा, वाओ।
बैठेंगे जेटकी में और गिरेंगे पानी में जेटकी में। कितना मस्त लग रहा है ना। अभी सनसेट का नजारा जो होगा ना दोस्त बहुत अच्छा होगा यहाँ। लेकर अरनाला बीच तक ये बीच है और ये देखो ये लड़की स्टाइल मारना चालू। ठंडी खत्म हो गई अभी है ना, समुद्र के किनारे पहुंचे ठंडी खत्म। और ये देखिए 26 जनवरी का मेला, ये मेला चार हो मेला चार। तो गाइस अभी समझ में आया कि इतनी हवा क्यों चल रही है, क्योंकि भर्ती चालू है। देखिए जो पानी है ना वो वहाँ पे था और अभी यहाँ तक पहुँच गया है, धीरे 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 पूरा भर जाएगा। तो चलो और कहीं आपको लेके चले और दिखाएं आपको। हाँ चले अभी। अरे यार लाइव चल रहा है, तुम लोग कुछ भी मत बोलो। गाइस ये है बोट, और बोट में बैठकर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। फोटो खिंचवाना है बोट में बैठो, पानी में लेके आता हूँ थोड़ी देर। ये देखो क्या कर रहे हैं, मस्ती 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 सिमरन। यहाँ पे के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मत करो भाई गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। स्टंट मत करो, अगर स्टंट आता है तो ही करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइज हवा की वजह से आवाज बराबर रिकॉर्ड नहीं हो रही है और गाइज बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, कुछ वीडियोस नहीं बना पाए हम लोग क्योंकि या तो वीडियो बना लें या फिर एंजॉय कर लें। तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे, तो मेरे साथ बने रहिए और रास्ते में और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम जा रहे हैं और यहाँ का बहुत अच्छा है गाइस। जो बीच है बीच पे गाड़ी सीधा अंदर आ जाती है, तो ये है कलम बीच। अगर आप मुंबई आए कभी तो यहाँ पे घूमने के लिए ज़रूर आना, ये मिनी गोवा है। और गाइस अगर आप मुंबई आएंगे घूमने के लिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारे रास्ते बता दूँगा, सारे बीचेस बता दूँगा, कितना किराया लगता है वो भी आपको बता दूँगा और जितना हो सकेगा मैं आपके हेल्प ज़रूर करूँगा। तो ये सामने जो बंगलो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा बंगलो बनाया है और मेरा फेवरेट बंगलो है ये। इसके जो कारीगरी है इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और यहाँ से जो व्यू है ना वो इतना मनमोहक है ना पूछिए मत। चलिए वाह आगे चलते हैं और ये देखिए सामने तार के घाट जो मन मोह लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा गांव है और मुझे तो गोवा की फील आती है, आपको कैसा लग रहा है बताना चाहिए। Yeah.
जो खेत देख रहे हो ना, ये गांव वाले लोग खेती करते हैं एकदम ऑर्गेनिक तरीके के साथ, कोई खाद नहीं डालते, कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं। तो यहाँ की जो सब्जी भाजी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है गाइस। और ये हम लोग पहुँच गए हैं सन सिटी रोड, जो राइट साइड में ट्रैक देख रहे हैं ना, ये अभी नया बना है रनिंग करने के लिए और वॉक करने के लिए। तो मैं भी कभी कभी अपनी मिसेस के साथ यहाँ पे आ जाता हूँ वॉक करने के लिए गाइस, बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस बच्चों ने बोला है कि आज भेल खानी है और मैं यहाँ पे भेल का सामान लेने के लिए आया हूँ। कुणाल भेलपुरी हाउस, और यहाँ से देखिए भेलपुरी का सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे खाना है यहाँ पे खाइए, घर पे बनाना है तो घर पे बनाइए। तो घर पे पहुँच गए हूँ गाइस, और सच बता रहा हूँ मज़ा आया, बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय किया। मज़ा आया ना बाबू? गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। तो कमेंट जरूर करना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस भेल बनकर हो गई है तैयार, और कैसी लगी भेल अनु? बहुत अच्छी। थैंक यू।